नमस्कार, मैं काजल निषाद। कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिन निर्मा वॉशिंग पाउडर के निर्मल करे सुभाए। क्यों वक्त बजा ताली थाली है जे बात। अच्छा ये बताओ भक्तो, ये जब 400 से कम जब कोरोना था तो जो है पिताजी ने ताली थाली घंटी अगरबत्ती सब बजा दिया है, और अब 7 लाख हो गए हैं। अब क्या प्रोग्राम है चच्चा का, डीजे वीजे का प्रोग्राम है क्या भाई है? अरे बजाओ ताली जे बात। सालो तुम लोग को पता है ये जो चच्चा इनवाइट किए थे इंडिया में कोरोना को, अरे भूलने नहीं देंगे। कहोगे रोज यही बात करती है, रोज यही बात करेंगे, कहे कि रोज यही पेपर में आता है। 7 लाख हो गया कोरोना, हाँ तीसरे नंबर पे आ गया भारत, और तुमको लगता है रोज वही बात करती है, रोज करेंगे, रोज याद दिलाएंगे। ये मोदी काका लाए थे इंडिया में कोरोना, नमस्ते ट्रंप, मध्य प्रदेश की सरकार गिराना बनाना कोरोना को इनवाइट की है। पता है कितने रोजगार चले गए, मजदूरों की क्या हालत है पता है? दिहाड़ी मजदूरों की क्या हालत है, शिक्षकों की क्या हालत है, व्यापारियों की क्या हालत है, हाँ पता है तुम लोगों को? कितने लोगों की नौकरी चली गई है, काम धंधा ठप हो गया है, सब मार्केट पूरा डाउन हो गया है। व्यापारियों को पूछ लो, जितने बिजनेसमैन है पूछ लो, सब मार्केट डाउन पड़ा है, कोई दिखता नहीं है कुकुर रास्ते में, कोई भाजी खरीदने नहीं आता ठीक से, और कपड़ा खरीदने कौन जाएगा, पहले तो राशन खरीदेगा ना। हाँ पत्रकारों को देख लो, डॉक्टरों को देख लो, अरे अच्छे डॉक्टरों को तो तुमने जेल में डाल रखा है। डॉक्टर कफील को देख लो, क्या किया था उन्होंने, क्या किया था बताओ? सच्चे डॉक्टर, एक जो ऑक्सीजन पहुंचाया था, बच्चों की जान बचाया था, उनको तुम लोग जो है जेल में डाल दिए। हाँ और हो तुम्हारा बाप विकास दुबे बाहर घूम रहा है, क्या कर लिया तुम लोगों ने? हाँ अरे अगर विकास दुबे समझो कहीं मुसलमान होता तब दलाल मीडिया चिल्लाती, देखो आतंकवादी, ये आतंकवादी, ये तबलीगी जमात का आदमी, और इससे स्क्रीन फाड़ के तुम लोग के घर में घुस जाता, माइक तुम लोग के मुंह में ठुसा के बोलता, हाय देखो आतंकवादी मुसलमान मुल्ला। और अब पता चला कि ब्राह्मण है विकास दुबे। मोदी पापा, मोदी पापा, मोदी, मोदी। अब क्या कर रहे हो तुम लोग? सालो सबसे ज्यादा ये दलाल मीडिया ने है ना भारत का ये दुर्दशा किया है, सबसे ज्यादा घर में घुस घुस के जो है बोले हैं। चीन हट गया पीछे चच्चा के जाने से, चीन आगे आया ही कब था? नहीं नहीं, मोदी चच्चा ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई आया है, हाँ तो पीछे कैसे हट गए जब कोई आया ही नहीं? तो क्या बोलते हो चच्चा, भंगेड़ी चच्चा हम लोग को मिल गए एकदम से जो है, कैसे चले गए लद्दाख जब कोई आया ही नहीं, तो जब कोई घुसा ही नहीं तो? हाँ ऐप बंद कर दोगे, वो जो बिना फालतू के ऐप थे वो बंद करोगे तुम, और तुम सोच रहे हो कि हमने चीन पे जो है जीत लिया युद्ध, सारे बंद कर दो, सारे कारोबार बंद कर दो चीन के, कर दो, है हिम्मत? पेटीएम बंद करोगे? हाँ अपना पेट भरना है बस, दिख रहा है अच्छे से चचा, तुम गए थे लद्दाख में दिख रहा है तुम्हारा पेट जो बहुत आगे आया था, दिख रहा है मशरूम भरा हुआ पेट तुम्हारा, झूठ बोलते हो भारतवासियों से। और क्या 80,000 80 करोड़ों को तुम 5 किलो अनाज दोगे बस हो गया? अरे चच्चा तुम्हें याद है कि नहीं, एक भाषण में तुम कहे थे 600 करोड़ जनता है भारत की, 600 करोड़ है ना, हाँ तो 520 जनता क्या करेगी, थाली ताली बजाएगी क्या चच्चा, अगरबत्ती दिया घुमाएगी क्या आपको? हाँ अरे नशा कम किया करो, 135 करोड़ जनता है, 80 करोड़ को जो है 5 किलो चना खिलाओगे, बाकी क्या करेंगे? अगरबत्ती लगाएंगे, दिया जलाएंगे, भाग गया कोरोना, चैन तोड़ेंगे कोरोना की आप? हाँ सुख चैन से बुढ़ा रखा है कोरोना ने, आपको क्या फर्क पड़ता है चचा, आपको क्या फर्क पड़ता है? जमीन पे उतरो, किसी के घर कभी देखा नहीं आपको खाना खाते हुए, पत्तल में खाना खाते हुए,
किसी गरीब के घर, देखा नहीं मैंने आपको जाते हुए। बात करते हैं, कई करोड़ लोगों का रोजगार खा गया। दलाल मीडिया को तो चेक मिल जाता है, इसलिए वो बिल्कुल सच्चाई दबाते जाते मोदी मोदी बस, और कुछ नहीं दिखता। और ये जो आईटी सेल वाले और ये जो गाली देने वाले, कितना कमाते हो यार तुम लोग तलवे चाटने के, कितना कमाते हो? हाँ, आईटी सेल वालों को गाली देने का, गंदा गंदा फोटो भेजने का पैसा मिलता है ना? वो पैसा लेके अपने घर जाता है, अपनी बेटी के लिए चूड़ी खरीद के ले जाता है, बहनी के लिए बिंदिया खरीद के ले जाता है, बीवी के लिए सिंदूर ले जाता होगा, माँ के लिए साड़ी ले जाता होगा उसी वेतन से, है ना? अपनी माँ को एक बार कहना कि गाली देके, महिलाओं को गाली देकर, पत्रकार भाइयों को गाली देकर मैं ये कमाई लाया हूँ माँ, तो तुम्हारी बहन वही बिंदिया तुम्हारे माथे पर चौटा देगी, तुम्हारी बीवी वही सिंदूर तुमको पहना देगी, तुम्हारी माँ वही साड़ी तुमको पहना देगी, और तुम्हारी बेटी कहेगी पापा ये चूड़ी तुम पहन लो, हमको नहीं चाहिए ऐसी कमाई। कहोगे अपनी माँ बहन से? हाँ, अरे तुम मत कहना, हम कहेंगे, हम तुम लोग का नाम बताएंगे। क्या है कि हम लोग का वीडियो, जो हमारा जो वीडियो है, अब करोड़ों की तादाद में लोग देखने लगे हैं। जरा करोड़ लोग सुन ले तुम्हारा क्या क्या नाम है, सबका सबका नाम लिख के रखा है, स्क्रीनशॉट खींच खींच के रखा है। रुको, अच्छे से जब तुम लोग का FIR करके अच्छे से तुम लोग को फोन वोन आ जाएगा और तुम्हारा सब डेटा नाटा चाटा सब ये नेट वेट सब बंद हो जाएगा, तब अच्छे से तुम्हारा नाम बताएंगे, सबको बताएंगे ये कौन कौन है। क्या है कि इनका प्रोफाइल देखो ना, तो पीछे भगवान का फोटो होता है और नीचे साले गाली लिखते हैं, सुअर जैसे मुंह वालों। पीछे जो है माँ भगवती का फोटो, माँ दुर्गा का फोटो, बजरंग बली का फोटो, साईं बाबा का फोटो लिखा है पीछे, जय श्री राम, और साले आके गाली देते हैं। हिंदू का अपमान तो तुम लोग करते हो, कहां मुसलमान करते हैं? बहुत मुसलमान मुसलमान करते हो, मुसलमान आतंकवादी होता है, ठीक। प्रज्ञा ठाकुर कौन है? प्रज्ञा ठाकुर कौन है? संसद में बैठी है बिल्कुल, है सालो, हिंदू मुसलमान से ऊपर नहीं आओगे तुम लोग, भारत के बारे में सोच लो तनिक। और बिहार में चुनाव है ना, छठी में चना खिलाएंगे? अरे छठी का दूध याद दिला देंगे बिहार वाले, जाओ LED से प्रचार करेंगे। ये नहीं कि सबको जो है एक एक टीवी देके या एक एक कंप्यूटर देके सबको पढ़ाया जाए ऑनलाइन, है LED से प्रचार करेंगे बेटा। कितना नीचे गिरोगे, सब जान गए हैं, सब जान गए हैं। भाजपा के ही लोग सबसे ज्यादा कांडों में लिप्त पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा। विकास दुबे तो खुद अपने मुंह से बोल रहा है, 2017 का वीडियो देख लो, कि भाजपा के विधायक मदद करते हैं। तो क्या हुआ, किसी ने जांच की? हुआ कुछ? एक ठेला वाला बेचारा, ठेले वाला का ठेला तोड़ दोगे तुम लोग, जांच हो जाएगी तुरंत। विकास दुबे नहीं मिल रहा है, लेकिन 1000 बसे याद है यूपी में, हाँ, ड्राइवर का नंबर भी मिल गया, नंबर प्लेट भी मिल गई, दो दिन में ढूंढा। तुम्हारा बाप कहा नहीं मिल रहा है, अभी ढूंढो। क्या योगी जी, बजरंग बली को सिर्फ मास्क पहनाओगे, 51 मास्क चढ़ाओगे, हैं? सही है, आपने भगवा पहना है ना, आप सिर्फ मंदिर में घंटी घंटा बजाइए बस, जनता की सेवा आपके बस की बात नहीं। अब ठीक, नमस्कार, मैं काजल निषाद। कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कूटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिन निर्मा वॉशिंग पाउडर के, निर्मल करे सुभाए, क्यों वक्त बजा ताली थालिए जे बात। अच्छा ये बताओ भक्तो, ये जब 400 से कम जब कोरोना था, तो जो है पिताजी ने ताली थाली घंटी अगरबत्ती सब बजा दिया है, और अब 7 लाख हो गए हैं, अब क्या प्रोग्राम है चच्चा का, डीजे वीजे का प्रोग्राम है क्या भाई, है? अरे बजाओ ताली जे बात। सालो तुम लोग को पता है, ये जो चच्चा इनवाइट किए थे इंडिया में कोरोना को, अरे भूलने नहीं देंगे। कहोगे रोज यही बात करती है, रोज यही बात करेंगे,
काहे कि रोज यही पेपर में आता है, 7 लाख हो गया कोरोना, हाँ तीसरे नंबर पे आ गया भारत, और तुमको लगता है रोज वही बात करती है, रोज करेंगे, रोज याद दिलाएंगे। ये मोदी काका लाए थे इंडिया में कोरोना। नमस्ते ट्रंप, मध्य प्रदेश की सरकार गिराना बनाना, कोरोना को इनवाइट की है, पता है कितने रोजगार चले गए, मजदूरों की क्या हालत है, पता है दिहाड़ी मजदूरों की क्या हालत है, शिक्षकों की क्या हालत है, व्यापारियों की क्या हालत है, हाँ पता है तुम लोगों को कितने लोगों की नौकरी चली गई है, काम धंधा ठप हो गया है, सब मार्केट पूरा डाउन हो गया है, व्यापारियों को पूछ लो, जितने बिजनेसमैन है पूछ लो, सब मार्केट डाउन पड़ा है, कोई दिखता नहीं है कुकुर रास्ते में, कोई भाजी खरीदने नहीं आता ठीक से, और कपड़ा खरीदने कौन जाएगा, पहले तो राशन खरीदेगा ना, हाँ पत्रकारों को देख लो, डॉक्टरों को देख लो, अरे अच्छे डॉक्टरों को तो तुमने जेल में डाल रखा है, डॉक्टर कफील को देख लो, क्या किया था उन्होंने, क्या किया था बताओ, सच्चे डॉक्टर, एक जो ऑक्सीजन पहुंचाया था, बच्चों की जान बचाया था, उनको तुम लोग जो है जेल में डाल दिए, हाँ रोहू तुम्हारा बाप विकास दुबे बाहर घूम रहा है, क्या कर लिया तुम लोगों ने, हाँ अरे अगर विकास दुबे समझो कहीं मुसलमान होता, तब दलाल मीडिया चिल्लाती, देखो आतंकवादी, ये आतंकवादी, ये तबलीगी जमात का आदमी, और इससे स्क्रीन फाड़ के तुम लोग के घर में घुस जाता, माइक तुम लोग के मुंह में ठुसा के बोलता, हाय देखो आतंकवादी मुसलमान मुल्ला, और अब पता चला कि ब्राह्मण है विकास दुबे। मोदी पापा, मोदी पापा, मोदी, मोदी। अब क्या कर रहे हो तुम लोग, सालो, सबसे ज्यादा ये दलाल मीडिया ने है ना भारत का ये दुर्दशा किया है, सबसे ज्यादा घर में घुस घुस के जो है बोले हैं, चीन हट गया पीछे चचा के जाने से, चीन आगे आया ही कब था, नहीं नहीं मोदी चचा ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई आया है, हाँ तो पीछे कैसे हट गए, जब कोई आया ही नहीं तो क्या बोलते हो चचा, भंगेड़ी चचा हम लोग को मिल गए एकदम से जो है, कैसे चले गए लद्दाख जब कोई आया ही नहीं तो, जब कोई घुसा ही नहीं तो, हाँ ऐप बंद कर दोगे, वो जो बिना फालतू के ऐप थे वो बंद करोगे तुम, और तुम सोच रहे हो कि हमने चीन पे जो है जीत लिया युद्ध, सारे बंद कर दो, सारे कारोबार बंद कर दो चीन के, कर दो है हिम्मत, पेटीएम बंद करोगे, हाँ अपना पेट भरना है बस, दिख रहा है अच्छे से चचा, तुम गए थे लद्दाख में दिख रहा है तुम्हारा पेट जो बहुत आगे आया था, दिख रहा है मशरूम भरा हुआ पेट तुम्हारा, झूठ बोलते हो भारतवासियों से, क्या 80,000 80 करोड़ों को तुम 5 किलो अनाज दोगे बस हो गया, अरे चचा तुम्हें याद है कि नहीं एक भाषण में तुम कहे थे 600 करोड़ जनता है भारत की, 600 करोड़ है ना, हाँ तो 520 जनता क्या करेगी, थाली ताली बजाएगी चचा, अगरबत्ती दिया घुमाएगी क्या आपको, हाँ अरे नशा कम किया करो, 135 करोड़ जनता है, 80 करोड़ को जो है 5 किलो चना खिलाओगे, बाकी क्या करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, दिया जलाएंगे, भाग गया कोरोना, चैन तोड़ेंगे कोरोना की आप, हाँ सुख चैन से बुढ़ा रखा है कोरोना ने, आपको क्या फर्क पड़ता है चचा, आपको क्या फर्क पड़ता है, जमीन पे उतरो, किसी के घर कभी देखा नहीं आपको खाना खाते हुए, पत्तल में खाना खाते हुए, किसी गरीब के घर देखा नहीं मैंने आपको जाते हुए, बात करते हैं, कई करोड़ लोगों का रोजगार खा गया, दलाल मीडिया को तो चेक मिल जाता है इसलिए वो बिल्कुल सच्चाई दबाते जाते मोदी मोदी बस, और कुछ नहीं दिखता, और ये जो आईटी सेल वाले और ये जो गाली देने वाले कितना कमाते हो यार तुम लोग तलवे चाटने के, कितना कमाते हो, हाँ आईटी सेल वालों को गाली देने का गंदा गंदा फोटो भेजने का पैसा मिलता है ना, वो पैसा लेके अपने घर जाता है, अपनी बेटी के लिए चूड़ी खरीद के ले जाता है, बहनी के लिए बिंदिया खरीद के ले जाता है, बीवी के लिए सिंदूर ले जाता होगा, माँ के लिए साड़ी ले जाता होगा उसी वेतन से, है ना, अपनी माँ को एक बार कहना कि गाली देके, महिलाओं को गाली देकर, पत्रकार भाइयों को गाली देकर मैं ये कमाई लाया हूं मां, तो तुम्हारी बहन वही बिंदिया तुम्हारे माथे पे चोटा देगी,
तुम्हारी बीवी वही सिंदूर तुमको पहना देगी, तुम्हारी माँ वही साड़ी तुमको पहना देगी, और तुम्हारी बेटी कहेगी पापा ये चूड़ी तुम पहन लो, हमको नहीं चाहिए ऐसी कमाई। कहोगे अपनी माँ बहन से? हाँ, अरे तुम मत कहना, हम कहेंगे, हम तुम लोग का नाम बताएंगे। क्या है कि हम लोग का वीडियो, जो हमारा जो वीडियो है, अब करोड़ों की तादाद में लोग देखने लगे हैं। जरा करोड़ लोग सुन ले तुम्हारा क्या क्या नाम है, सबका सबका नाम लिख के रखा है, स्क्रीनशॉट खींच खींच के रखा है। रुको, अच्छे से जब तुम लोग का FIR करके अच्छे से तुम लोग को फोन वोन आ जाएगा और तुम्हारा सब डेटा नाटा चाटा सब ये नेट वेट सब बंद हो जाएगा, तब अच्छे से तुम्हारा नाम बताएंगे, सबको बताएंगे ये कौन कौन है। क्या है कि इनका प्रोफाइल देखो ना तो पीछे भगवान का फोटो होता है और नीचे साले गाली लिखते हैं, सुअर जैसे मुंह वालों। पीछे जो है माँ भगवती का फोटो, माँ दुर्गा का फोटो, बजरंग बली का फोटो, साईं बाबा का फोटो लिखा है पीछे, जय श्री राम, और साले आके गाली देते हैं। है? हिंदू का अपमान तो तुम लोग करते हो, कहां मुसलमान करते हैं? बहुत मुसलमान मुसलमान करते हो, मुसलमान आतंकवादी होता है। ठीक, प्रज्ञा ठाकुर कौन है? प्रज्ञा ठाकुर कौन है? संसद में बैठी है बिल्कुल, है सालो, हिंदू मुसलमान से ऊपर नहीं आओगे तुम लोग? भारत के बारे में सोच लो तनिक। और बिहार में चुनाव है ना, छठी में चना खिलाएंगे? अरे छठी का दूध याद दिला देंगे बिहार वाले, जाओ LED से प्रचार करेंगे। ये नहीं कि सबको जो है एक एक टीवी देके या एक एक कंप्यूटर देके सबको पढ़ाया जाए ऑनलाइन, है LED से प्रचार करेंगे बेटा। कितना नीचे गिरोगे, सब जान गए हैं, सब जान गए हैं। भाजपा के ही लोग सबसे ज्यादा कांडों में लिप्त पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा। विकास दुबे तो खुद अपने मुंह से बोल रहा है, 2017 का वीडियो देख लो, कि भाजपा के विधायक मदद करते हैं। तो क्या हुआ, किसी ने जांच की? हुआ कुछ? एक ठेला वाला बेचारा, ठेले वाला का ठेला तोड़ दोगे तुम लोग, जांच हो जाएगी तुरंत। विकास दुबे नहीं मिल रहा है, लेकिन 1000 बसे याद है यूपी में? हाँ, ड्राइवर का नंबर भी मिल गया, नंबर प्लेट भी मिल गई, तो दिन में ढूंढा। तुम्हारा बाप कहा नहीं मिल रहा है अभी, ढूंढो। क्या योगी जी, बजरंग बली को सिर्फ मास्क पहनाओगे, 51 मास्क चढ़ाओगे? हैं, सही है, सही है, आपने भगवा पहना है ना, आप सिर्फ मंदिर में घंटी घंटा बजाइए बस, जनता की सेवा आपके बस की बात नहीं। अब ठीक, नमस्कार।